बाइबल कहती है यूसुफ जेल में था, यूसुफ जेल में बंद है और यूसुफ को बदनाम करके जेल में बंद कर दिया। मगर पता है बाइबल कहती है यूसुफ चाह के ही रहता था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था और बाइबल कहती है उस जेल के दारोगा की का अनुग्रह उस पर हुआ। पता है जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है ना, ऑटोमेटिकली वो लोगों के जीवन में आपके लिए फेवर को क्रिएट करना चालू कर देता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो जेल के अंदर था मगर जेल में भी अच्छी पोस्ट पर था। मगर जब आप यूसुफ के जीवन को देखेंगे आगे जाकर बाइबल कहती है एक समय आया जब वो उसी देश का जहां पर वो गुलाम था जेल में था वो प्रधानमंत्री बन गया। मगर कैसे पता है? इंपॉर्टेंट क्या था बताएं? उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा क्यों रहता था? क्योंकि उसका कैरेक्टर साफ था। यदि हमारा कैरेक्टर साफ है ना बताएं, परमेश्वर का फेवर अट्रैक्ट करता है। बताएं जब आपका आपका कैरेक्टर बहुत क्लीन है ना, आप ऐसे चुपचाप खड़े रहेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करना चालू करेगा।